सफर का आखिरी दिन घर जाने के एक्साइटमेंट से भरा हुआ तो रहता है, लेकिन जिन जगहों पे हम जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उन जगहों को बाय बोलते वक्त दुख भी होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटीजी व्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में, इस खूबसूरत नजारे में स्वागत है। मैं हूँ अभी महाबलेश्वर में। आज यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम लोग मुंबई के लिए निकलने वाले हैं। अभी अभी उठा हूँ, इसके लिए आवाज़ भी भारी है, थोड़ी ठंड है और हर जगह को फॉग ने कवर कर लिया है। भगवान जब खुशियाँ देते हैं ना भाई, छप्पर फाड़ के देते हैं, ऐसा बोलूंगा मैं, क्योंकि इस राइड में वैसे ही हो रहा है। हर एक लोकेशन भारी मिल रहा है हमको। कैसा है कि इधर के लोगों को अभी आदत हो गई रहेगी इन सब चीज़ों की, जैसे अपने को मुंबई में हुई है। रोज उठो, पॉल्यूशन देखो, आज उठ के मैं फॉग देख रहा हूँ, नेचुरल चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ पे। नाश्ता आ गया है, पूरी भाजी पोहा भाई। नाश्ता है कि मजा के पूरा खाना ही हो गया भाई, सो जाने का वापस। मैंने नींबू शरबत लिया था भाई, चाय पी रहे, चाय लवर सूर की पी रहे। सूर की। चलो निकलते हैं। अभी कोल्ड स्टार्ट चालू है, मैंने अभी तक किया नहीं है। एंड आई वंडर कि आज कैसे क्या इसमें सब इजीली और एक्स्ट्रा स्पेस के साथ सब बैठ गया भाई। आज के जैसा पैकिंग मैंने कभी भी नहीं किया था। एंड अभी निकलते हैं, टाइम देखो 13:49। यह है हमारा होटल। आज दशहरा भी है, सो बी लेटेड हैप्पी दशहरा टू एवरी वन। चलो गणपति बापा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। हमारा जो सुबह का प्लान था एक्सप्लोर करने का, वो काफ़ी पोस्टपोन होते गया। ऑन द वे पारसी पॉइंट है, उसके बाद एक दो स्पॉट और है लाइक मैप्रो गार्डन वगैरह, सो जाते वक्त वो ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो फिर सीधा हम लोग वाया पुणे, एज सेड अर्लियर हम लोग निकल जाएंगे घर की ओर। दशहरा है तो अपने बाइक पे भी हार जाना चाहिए ना भाई। चलो हार भी लग गया, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है शायद, बट नॉट टू वरी। यहाँ पे ड्रोन शॉट ले रहे, तब तक अपने बाइक के रखवाली के लिए डॉगी बैठा है यहाँ पे। मैं मालूम नहीं किधर भी जाता हूँ, ट्रैक भी किया हमने इतने बार या फिर राइड पे भी जाता हूँ तो डॉगी अपने साथ रहता ही हमेशा। कुछ है नहीं लेकिन आज मेरे पास। नहीं ना भाई, नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। अगेन ड्रोन शॉट्स देखने हैं तो वॉन्डरसिन इस चैनल पे है। काफ़ी बढ़िया बढ़िया शॉट्स मिल रहे हैं हमको इस रूट पे। चलो इस घाट का नाम पसरनी घाट है। एंड आई गेस सामने टेबल लैंड है कुछ, तो टेबल पॉइंट, टेबल लैंड जो भी कहते हैं, वहाँ पे रुक सकते हैं क्योंकि वो रोड के साइड में ही है। सो नो टेंशन, फट से फ़ोटो खींचा लेंगे और निकल जाएंगे आगे। मुंबई इज़ मोर 239 किलोमीटर्स, पुणे इज़ 94 किलोमीटर्स। प्रॉपर मुंबई में नहीं जाना है बट 200 किलोमीटर के आसपास है मुंबई। 200 किलोमीटर मतलब दो घंटे आई गेस। अगर इतने कम टाइम में मैं पहुंच गया ना घर पे, घर वाले घर पे भी नहीं आने देंगे मुझे। यहाँ पे पार्किंग के चार्जेस दिख रहे हैं, टू व्हीलर इज 20, बस मिनी बस 100 और कार रिक्शा 50। 5 मिनट रुकेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे एंड निकलेंगे फिर। ऑफ रोड में है ना, अभी सैडलिंग करने में मज़ा आ रहा है ये भाई। मेरे को लगा लात वित मार गया। लोग यहाँ पे आए थे अराउंड 2:30 और अभी टाइम देख लो 3:30।
एक घंटा हम लोग यहाँ पे रुके थे, रील बनाया, ड्रोन उड़ाया। बेस्ट टाइम आपको अगर सह्याद्री माउंटेन रेंज देखनी है ना, तो आप सितंबर एंड और अक्टूबर के मंथ में आ जाओ। जैसे जैसे आप गांव के साइड जाओगे ना, आपको ये जो ट्रेडिशन है अपना, इंडियन कल्चर बोल सकते हैं, वो ज़्यादा हद तक देखने मिलता है। अभी देखो हम लोग घाट उतर रहे हैं और हर जगह पे हर किसी ने सफ़ेद कपड़े पहने, हार फूल लगाए गाड़ी को, एंड दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर एंजॉइंग दैट। सो हम लोग हैं अभी वाई में। सो एनीबडी वॉचिंग फ्रॉम वाई, हेलो, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। वी आर कनेक्टिंग टू द हाईवे नाउ, और राइट साइड में सातारा है, लेफ्ट साइड में पुणे। अभी कितने बज रहे हैं, 4:04 पे वी आर कनेक्टिंग टू द हाईवे। यहाँ से पुणे ही अभी मेरे ख्याल से 1.5 घंटा जल लगेगा। आपको ये रूट पे ध्यान रखना है कि पैच वर्क किया हुआ है कहीं कहीं पे। अगर आप बाइक से हो तो आपको थोड़ा फील होगा, झटका लगेगा इफ़ योर सस्पेंशंस आर नॉट गुड, बट कार में इतना फील नहीं होगा। बट ये देखो, ये ऐसे जो पैचेस है, ये पैच, तो इनसे ज़रा बच के रहिए स्पीड में अगर हो तो। ये रूट पे मैं पहली बार आया हूँ, मतलब पुणे के आगे मैं पहली बार आया हूँ। इसके पहले मैं जब भी जाता था तो पुणे ही जाता था। पेट्रोल स्टॉप लिया है, उन्होंने कभी तो भरा था पेट्रोल, जो अभी तक चला है, जो उनको माइलेज मिला है वो काफ़ी अच्छा है। जब मैंने लास्ट टाइम पेट्रोल भराया था तो अभी भी हाफ टैंक है, अगर लगे तो आगे भरा लूँगा, नहीं तो फिर इस पर चल ही जाए। बाकी राइड एकदम स्मूथ है, आपको वीडियो में तो दिख रहा है, और अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए। सो बाईपासिंग पुणे नाउ, मेरे ख्याल से पीछे कोथरूड है और आगे बाणेर इंजेवाड़ी। आज हर शोरूम के बाहर गर्दी है, लोग आज नई गाड़ी, घर, उनके पसंद की चीज़ खरीदते हैं और हम हमारी पसंद की चीज़ पे राइड कर रहे हैं, क्या बात है। सो सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ आवर जर्नी, आवर रूट, ये देहू रोड अभी ख़त्म हो रहा है और हम लोग अभी जा रहे हैं तलेगांव की ओर। यहाँ पे पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह जो खाना खाया था हमने, उसके बाद अभी डायरेक्ट खाना खाएंगे। यहाँ पे एक मंदिर है, वो किस भगवान का है अभी तक मुझे मालूम नहीं पड़ा, लेकिन जब भी मैं यहाँ से पास होता हूँ हमेशा दिखता है मुझे। वाह वाह वाह, लुक एट द व्यू, पूरा चमका दिया, क्या बात है। देवी का मंदिर है शायद, इसके लिए इतनी भीड़ लगी आज। यस, फाइनली अपनी स्वीट शॉर्ट एंड सिंपल राइड, एपिक राइड कंप्लीट हो गई है। एंड मेन मतलब ये जो रोड आपको दिख रहा है ना, इस पे जरा संभाल के आओ, क्योंकि शुरुआत में ना बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप एक बार स्पीड पकड़ लेते हो टर्न के बाद, लेकिन आगे आने के बाद गाड़ी उसमें घुस जाती है। हमारे साथ हुआ नहीं है, बट मैंने कुछ कहानियाँ सुनी है, देखा है, इसके लिए बोल रहा हूँ। ओके, बाय द वे अभिषेक भाई, नाइस टू राइड विद यू, थैंक यू सो मच। आगे भी ऐसे ही करेंगे विद प्रॉपर सेफ्टी। इस बार मेरे पास राइडिंग पैंट नहीं थी, वो नेक्स्ट टाइम आ जाएगी। एंड अपना और क्या था, इंटरकॉम वो भी आ जाएगा, मतलब और मज़ा आएगा, हमारी बातें एक दूसरे से भी और बढ़ेंगी। अभी कैसा है, हमारी स्पीड मैच हुई थी, रास्ते अच्छे थे, नज़ारा था, इसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी टेंशन नहीं था, छोटी राइड थी ना, बट मज़ा आया बहुत। 613 किलोमीटर 3 दिन में, लेकिन वो 3 दिन जो थे ना भाई, एपिक थे। मतलब आपने वीडियो देख ही लिए सब, ये शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल राइड यहीं पे अभी ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट राइड पे भाई के साथ, कभी भी चांस मिलेगा आगे। अभी क्या गांव जाना आना चालू रहेगा तो शायद हो भी सकता है दोनों का, अगर मैच होता है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट कीजिए। ड्रोन शॉट तो आपने इनके चैनल पे देखे हैं, तो इनके चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वो भी आप ध्यान में रखें। और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव एंड